खालिस्तानी हो वापस जाओ, खालिस्तानी शुभ वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, खालिस्तानी शुभ वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भारत माता की जय, मातरम, वापस जाओ, वापस जाओ, खालिस्तानी शुभ वापस जाओ, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गली गली में एक ही चर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा। भारत की एकता और अखंडता के शत्रु ये खालिस्तान के समर्थकों का भारत में कोई स्थान नहीं है। भारत के टुकड़े करने की साजिश करने वाले कैनेडियन सिंगर शुक का हम भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पावन भूमि महाराष्ट्र में मुंबई में हम उसका शो नहीं होने देंगे, उसे परफॉर्म नहीं करने देंगे। मेरा मुंबई के युवाओं से अपील है कि ये जो देशद्रोही सिंगर, इसे सुनने से अच्छा आप अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाए और इस शो को बॉयकॉट करें। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक शिष्टमंडल हम शांतिपूर्वक तरीके से मुंबई पुलिस और आयोजक कॉर्डेलिया क्रूज, आयोजक टीम इनोवेशन और आयोजक परसेप्ट कंपनी लिमिटेड के पास एक शांतिपूर्वक तरीके से हमने ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया इस शो को कैंसिल करने के लिए। यदि उचित कार्रवाई नहीं होगी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर कड़ा विरोध करेगा और शुभ जैसे देशद्रोहियों को मुंबई के इस पावन धरती पे नहीं उतरने देगा। कल हमने आदरणीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी को भी एक ज्ञापन दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस आज उचित कार्रवाई करेगी और शुभ जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ FIR फाइल करके उन्हें मुंबई में नहीं घुसने देगी और यही हमें अपेक्षा मुंबई पुलिस से है। इसलिए कार्यकर्ता का आक्रोश है, जो देश प्रेमी है उनका आक्रोश है कि मुंबई के इस पावन धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन भूमि पर, जब शुभ जैसा एक खालिस्तानी समर्थक वो मुंबई में आकर खालिस्तान को समर्थन करने के लिए यहाँ पर शो करने आता है तो मुंबई का युवा रास्ते पे उतरकर उसके पोस्टर बैनर फाड़ता है। ये जो आयोजकों के उनके लिए एक मैसेज है कि आप ऐसे देशद्रोहियों को मुंबई में नहीं लेकर आइए। मुंबई का युवा, जो देश का भविष्य युवा, उसे गलत आप राय देकर गलत लोगों के सामने आपको नहीं लाना चाहिए। ये मैसेज एक युवाओं ने दिया है।